बॉलीवुड के ऐसे कई कलाकार हैं जो अपनी फिल्मी दुनिया से ज़्यादा अपनी बाहरी दुनिया के लिए जाने जाते हैं। ये कलाकार फिल्मी पर्दे पर तो हीरो होते ही हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी एक हीरो से कम नहीं है। एक ऐसे ही कलाकार के बारे में आपको आज हम बताने जा रहे हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए काम करता है, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इन्होंने अपनी दमदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, लेकिन नाना पाटेकर केवल अभिनय की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। 2005 में नाना पाटेकर हेल्प फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। फाउंडेशन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों, गरीबों और विशेष रूप से उन लोगों की मदद करता है जिनकी सहायता की आवश्यकता है। नाना पाटेकर का ये फाउंडेशन मानवीय प्रयास है जो समाज के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने की कोशिश करता है। उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक सहायता पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी, प्राकृतिक आपदाओं या और समस्याओं से जूझ रहे हैं। फाउंडेशन का मूल आदर्श है हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक, इसके लिए जरूरी संसाधन और सहायता मुहैया कराई जाए। नाना पाटेकर अक्सर किसानों के लिए हित में खड़े रहते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। नाना पाटेकर का ये फाउंडेशन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र आपदा राहत है। भारत में जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप होता है तो फाउंडेशन त्वरित प्रतिक्रिया करता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे कि खाना पानी, कपड़े, दवाइयां, और इसके अलावा फाउंडेशन प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आवास और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। फाउंडेशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों और युवाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल की फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान करना। साथ ही फाउंडेशन विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाता है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नाना पाटेकर का फाउंडेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना, मुफ्त चिकित्सा जाँच, दवाई, अस्पताल और इलाज, इन सब में शामिल है। फाउंडेशन समय समय पर कैंप भी लगाता है ताकि लोगों को प्राथमिक चिकित्सा और स्वच्छता के बारे में जानकारी मिले। ये फाउंडेशन महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रहा है। महिला उद्यमिता प्रोजेक्ट, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों का आयोजन करते हैं और उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सशक्त प्रदान करना है। किसी भी सामाजिक संस्था की तरह ही नाना पाटेकर के भी इस हेल्प फाउंडेशन को विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है धन की कमी। फाउंडेशन अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने में कठिनाई महसूस करता है। इसके अलावा राहत कार्यों के दौरान वितरण व्यवस्था, लॉजिस्टिक मुद्दे और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने में भी चुनौती है। फाउंडेशन के कार्यों को अधिक प्रभावी और सतत बनाने के लिए नाना पाटेकर उनकी टीम निरंतर प्रयासरत है। समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद की जा सके और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। नाना पाटेकर हेल्प फाउंडेशन के मानवीय दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। फाउंडेशन न केवल आपदा राहत कार्यों में सक्रिय है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नाना पाटेकर की ये पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आप इस फाउंडेशन के कार्यों को समर्थन देना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, तो आप उनकी भी आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल नाना पाटेकर जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। एक एक्टर होने के नाते वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी सराहनीय है। फिलहाल ये थे वो एक्टर जो दूसरों के लिए जीता है। बॉलीवुड से जुड़े तमाम बड़े छोटे अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। शुक्रिया।